सोना नहीं दे रहे यार ये लोग मुझे। ओए ओए मेहंदी लग रही है चंचल। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनोज फौजी ब्लॉग्स पर और एक नए ब्लॉग में। तो गाइस सुबह के 7:30 बजे आज टाइम से ही जग गया हूँ, तो टाइम से ही निकल रहा हूँ और बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है। ये देखो पीछे खड़ी रहती थी ना, यहाँ से निकाल के सामने वाले मकान पर लगा दिए। मेरी पड़ोस है ना भाई आशा आंटी, जिनका कुछ सामान जाना है भाई हिम्मत खुराक के लिए, तो वो सामान लोड कर रहे हैं। मैं घर पर पानी पीने के लिए आया था, पानी पी लिया, अब निकल रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का दिन, लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना। ये देखिए हमारी आंटी जी कर रही हैं सामान लोड, कुछ रख दिया है क्या। ये देखो ये आशा बहन जी हैं जो चच्चा बच्चा वालियों के लिए सामान आता ना सरकारी, उसी को बांटने के लिए जा रही हैं अपने क्षेत्र में। गाइस अभी सुबह के 8 बजे है भाई, इतनी भयंकर गर्मी है कि पसीना पूछते पूछते हालत ख़राब हो रही है। और यार जब घर से निकल रहा था, घर से निकलते ही मेरी पड़ोसन है एक आशा बहन जी है, वो जिनका सामान छोड़ के अभी अभी आया हूँ, पीछे ब्लॉक में आपने देखा हुआ। मैं पड़ोसियों के काम से बहुत बचता हूँ यार, सबसे पहले तो एहसान रहता है पड़ोसियों का, उनका काम ना करो ना तो मुँह फुला देते हैं। दूसरा पैसे देने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पड़ोसी ऐसे करते हैं जैसे कि फ्री में चल रही हो गाड़ियाँ, 86 रुपये लीटर की CNG हो गई है, कहाँ से आदमी पूर्ति करेगा, 50 रुपये टकाते हैं, बताओ यार 50 रुपये में क्या होता है। और भाई फिर खासतौर से हम लोग स्टेशन से चलने वाले चिल्लर वाला काम तो वैसे ही नहीं करते कि 5-5 रुपये वाली या 10-10 रुपये वाली सवारियाँ, क्या करें यार, पड़ोसियों का काम है, फिर करना पड़ता है। घर 2 दिन से इतनी बुरी स्थिति है यार, ये साफी भी गीली हो गई है भाई, पसीने पोसते पोसते पसीना बंद नहीं हो रहा यार, बहुत बुरी स्थिति है। ऊपर से काम नहीं है बिल्कुल भी, घर वाले घर में नहीं बैठने देते, सुबह सुबह गीता से झगड़ा हो जाता है कई कई बार यार। और ऐसे हमारे साथ ही बैठे रहते हैं सबकी हालत खराब है यार, अकेला मैं ही नहीं हूँ। 2 दिन काम चल जाता है, 2 दिन फिर नीचे की ओर लड़क जाता है, ऐसी स्थिति बनी हुई है। क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आता। ऊपर से वृंदावन जाना बंद है यार, 1-2 सवारी आती भी है, कोई निकलती भी है। वृंदावन वगैरह की जहाँ से थोड़ी इनकम सोर्स बढ़ता है, वृंदावन में ऑटो बंद कर रखे हैं, वैसे मामला गड़बड़ है। अब मजबूरी में पैसे की तलाश में या किसी और वजह से चले जाओ उधर, तो फिर चालान इतना तगड़ा है भाई। गाड़ी पहले तो गाड़ी सीज होगी, अगर गाड़ी दया खा के या कुछ भी करके आपकी गाड़ी सीज नहीं करते तो चालान इतना बड़ा कर रहे हैं कि उसको भरते भरते तेल निकल जाएगा, 1 महीने में भी आप उसकी चालान को पैसा जमा नहीं कर पाओगे, इतना बड़ा 10-10 हज़ार रुपये 12-12 हज़ार रुपये के चालान कर रहे हैं यार। केवल ऑटो को छोड़कर सब कुछ अला हुआ, पता नहीं ऑटो वालों से क्या दुश्मनी हो गई है पुलिस वालों को यार। नेता जी कुछ कहना चाहेंगे यथा स्थिति पर? यथा स्थिति गड़बड़ है ये पीछे सभी में देख रहे, कुछ भी नहीं है भाई साहब, बहुत स्थिति खराब, कोई स्थिति खराब नहीं है, खाओ पियो मौज लो, खाओ पियो पेलो ठंड, बिल भरेंगे परमानेंट। गर्मी की वजह से अब तो ऐसा मन कर रहा है कहीं ठंडे इलाके में भाग दिया जाए, किधर को पढ़ा कहीं पहाड़ वगैरह में, हिमाचल साइड या फिर कुल्लू मनाली साइड उत्तराखंड में, जहाँ हल्का सा मौसम ठंडा हो। पर यार क्या करें, जगह के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, पैसे जेब में है नहीं भाई, बिना पैसे के वो एक बड़े बूढ़े कहते हैं ना, पैसे नहीं है पास तो मेला लगे उदास, वही स्थिति है भाई। दिल पता नहीं क्या क्या चाहता है, लेकिन पैसे के बिना, दिल के चाहने से कुछ नहीं होता भाई, जब तक पैसे जेब में नहीं है तब तक कुछ नहीं है। 11:15 हो गए, घर के लिए निकल रहा हूँ, जो करना था कमाना था वो कमा लिया है। गुरुवार था, काम वैसे ही नहीं है, 2 दिन से बहुत ज़्यादा स्थिति डाउन है काम की। चलिए घर निकलते हैं यार, वैसे भी नेशनल हाईवे है इस पर, वैसे भी डर लगता है, ट्रक वाले बहुत गंभीर और खतरनाक तरीके से गाड़ियाँ चलाते हैं, या तो रात का टाइम हो या दोपहर का टाइम हो, पूरी तरह से हाईवे पर ट्रक वालों का इलाज रहता है भाई।
अभी अभी टाउनशिप पे चक्कर लगाने गया था, वहाँ से वापसी में दो सवारियाँ मिल गई, उनके चक्कर में यहाँ मथुरा जंक्शन पे आना पड़ा। उन्होंने घर निकल रहा था मैं सीधा, तो यहाँ पे अब कुछ नहीं है। गर्मी में सारे के सारे जितने भी दोस्त थे ज़्यादातर सब हिम्मत हार के घर जा चुके हैं। एक दो बंदे बचे हुए, एक हमारा पंडित है, पंडित घर चल रहा है, सब निकल चुके हैं, अपन भी निकल रहे हैं घर के लिए। यार गर्मी में अब नहीं हिम्मत हो रही रुकने की, भाई बहुत भयंकर है, दो दिन से तो हालत ख़राब कर रखी है गर्मी ने। गाइस मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे कह रहा था कि परेशान हो गया, धूप में कोई काम नहीं निकल रहा, घर निकल रहा, लेकिन अपने काम की यही खासियत है भाई, कब कहाँ से क्या आ जाए कोई पता नहीं होता। घर निकलने ही वाला था तभी एक सर आ गए जो पीछे बैठे हुए हैं, इनको लेके जा रहा हूँ भाई मैं ताज एक्सप्रेस वे, जो राया कट है हमारे यहाँ राया कट के लिए। अपने काम की यही खासियत है, आप प्राइवेट जॉब में नौकरी टाई बेल्ट लगा के इज्जत से जा सकते हो, लेकिन उसमें टाइमिंग फिक्स होती है कि सुबह जाना है शाम को जाना है। अपने काम में पूरी आज़ादी है, जब इच्छा हो काम करो, ना हो घर निकल जाओ। दूसरा एक और है कि मेरे काम में कभी जेब खाली नहीं रह सकती आपको, आप जॉब में हो तो महीने की तारीख फिक्स होती है कि आपको इंतजार करना पड़ेगा तभी पैसे आएंगे। मेरे काम में ऐसा है आपकी जेब में पैसे नहीं है, आपके पास गाड़ी है, घंटे दो घंटे के लिए भी घर से निकला हुए ना तो जेब खर्चे के लिए कुछ ना कुछ निकाल के ले जाओगे, इसीलिए मुझे अपना काम अच्छा लगता है भाई। और कोई भी काम हो, अपने जो आदमी अपने काम की इज्जत नहीं करता ना उसको कभी अपने काम से संतुष्टि नहीं होती, कैसा भी हो। मैंने प्राइवेट जॉब भी किया, सब काम किया है, एक्सीडेंट के बाद ही मैं गाड़ी बाजी की लाइन में आया हूँ, लेकिन फिर भी जॉब से अच्छा लगा मुझे अपना काम। हाँ थोड़ी प्रेस्टेज कम है, इमेज कम होती है, आदमी की इज्जत कम होती है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों के बेचारे से ही हैं। नौकरी में चाहे 5,000 की नौकरी हो वो भी बड़ा बॉस है, सर को लेके जा रहे हैं, सर पता नहीं कहाँ से, शायद साउथ साइड से। कहाँ से सर आप? साउथ से। कौन सी जगह? हैदराबाद। हैदराबाद से हैं सर, इनको ताज एक्सप्रेस में छोड़ते हैं, उसके बाद घर निकलेंगे। अभी लगभग 11:30 का टाइम हो रहा होगा सर? 11:30 हो गए बस, ताज एक्सप्रेस में पहुँचने ही वाले हैं। 12 बज गया भाई? 12 बज गया यार, पता भी नहीं चला, पहुँचने वाला हूँ लक्ष्मी नगर, मैंने पहले ही पार कर दिया। सर को छोड़ते हैं उसके बाद निकलेंगे। सर मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ, डाल दो, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके सर। ये लीजिए गाइस हम आ चुके हैं ताज एक्सप्रेस वे, इसको राया कट बोलते हैं। सर को छोड़ते उसके बाद वापस आऊंगे। तो गाइस ताज एक्सप्रेस वे आ चुके हैं, सर को छोड़ दिया है, पैसे लेते हैं और निकलते हैं। ओह माय गॉड, चेंज नहीं है सर, बहुत तेज प्यास लगी हुई थी, पानी पी लिया है, अब निकल रहे हैं घर के लिए। 12 ऑलरेडी बज चुके हैं, थोड़ा लेट हो गया हूँ, अभी लगभग कम से कम आधा पौना घंटा लग जाएगा घर पहुँचते पहुँचते। चलो भाई घर पहुँचते हैं, सुबह से खास ज़्यादा पैसे कमाए नहीं थे, जिम में इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, अब आ गया है तो थोड़ा संतुष्ट हूँ मैं भी। और मेरी जिम में सुबह से काम ठीक ठाक हो गया होता ना तो मैं नहीं आता यहाँ लेके, क्योंकि लगभग 12 हो चुके थे लेकिन जिम खाली थी, मेरी भी मजबूरी थी भाई, पैसे होना बहुत ज़रूरी आज के टाइम। छोड़ दिया है सर को, अब दिखाता हूँ ये राय वाला रूट, मुझे बहुत बुरा लगता है यार। सबसे पहले तो सिंगल रोड है, दिखाता हूँ क्या हालत है इस रोड। ये देखिए गाइस एकदम से सिंगल रोड है, रोड ख़राब है और बहुत हैवी ट्रैफिक चलता है इस पर, हालत ख़राब होती है, डर भी लगता है यार। खतरनाक रोडों में से एक है मथुरा की है। चलो जल्दी से पहुँचते हैं यार। पहले गीता लगी रहती थी मशीन लेके, अब चंचल ने शुरू कर दिया यही काम। और ये टिल्लू किसकी टी शर्ट पहन के घूम रही है? इतनी बड़ी टी शर्ट किसकी है टिल्लू? मम्मी की। ये बैठी हमारी मम्मी, बैग तलाशी ले रही है किसकी? गाइस एक टेलर से पीछा छूटा, दूसरा टेलर आ गया सर पे घोपड़ी पे खटखट 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 करने के लिए, बहुत परेशान हूँ। ये टिल्लू आ गई, क्या कर रही है टिल्लू? सोने नहीं दे रहे हैं यार ये लोग मुझे। दोपहर बाद शाम के टाइम में तो ऐसे ही लग रहा है बिल्कुल उजाड़ सा, कुछ भी नहीं है, गाड़ियाँ भी नहीं है, सवारी भी नहीं है। और इस तरफ हमारे दो मित्र लगे हुए, पता नहीं क्या सोचा बेचारी में, बहुत भयंकर वाली सोचा बेचारी चल रही है भाई। क्या सोच रहे हो मित्रों? ओ हाय गाइस, ओ हेलो गाइस, आज तो कमाल हो गया भाई, 5 बजे से लेके अभी 8:11 हो रही है और 1 रुपया नहीं कमाया, 20 रुपये जेब से खर्च कर दिए। इतना ख़राब काम होगा, सुबह का टाइम बहुत अच्छा गया था तो उम्मीद थी शाम को भी अच्छा ही जाएगा,
जब से लेके अब तक भाई पसीने में नहाए हुए इधर से उधर भटक रहे हैं, लेकिन एक रुपए का काम नहीं किया, 20 रुपए जेब से खर्च कर दिए। थके परेशान होके गर्मी से बेहाल होके अब निकल रहा हूँ घर के लिए। राधे राधे बोलते हैं स्टेशन को, कल सुबह फिर से देखेंगे यार। तो गाइस भाई हमारी कॉलोनी में दुकान खोली है बंदे ने, क्या नाम है भाई तेरा? हाँ नदीम, और दूसरे का चेतन। दोनों भाई बर्गर, ये क्या बन रहा है? चिली पटेटो। क्या क्या बनाते हो भाई? बर्गर है, चाउमीन है, मोमोज है, वीडियो बनाई जा रही है भाई की। भाई दोनों के दोनों हम हनुमान नगर में दुकान खोली है इन लोगों ने, किसी को खाने हुए करें तो आ जाए करो, मस्त बनाते हैं भाई। ये देखिए गाइस क्या हो रहा है। ओए ओए मेहंदी लग रही है, चंचल लगा रही है, ये लगवा रही है गीता मेहंदी इधर। तो गाइस शाम के 10:30 बजे हुआ, फिलहाल घर में चल रही है एक अजीब और गरीब सी तैयारी। ये देखिए ये रही हमारी अंजलि। हेलो गाइस, अंजलि लगाने में लगी हुई है अपने हाथों पे मेहंदी। अंजलि और अंजलि की मम्मी भाई कल जा रहे हैं अपने गीता की बुआ की लड़की की शादी में अलीगढ़ के लिए। तो दोनों के दोनों बगल वाले कमरे में गीता जो है वो चंचल से मेहंदी लगवाने में लगी हुई है, अंजलि आप खुद अपने आप ही लगाने में लगी हुई है। तो कल ये लोग शादी में चले जाएंगे, घर खाली हो जाएगा, एक दिन कम से कम मुझे भी मिलेगा जिसमें कोई टेंशन देने वाला नहीं होगा। और टेंशन देने वाला कौन है ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता चलेगा तो हो जाएगी टेंशन। फिलहाल आज के इस ब्लॉग का करते हैं एंड। तो आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।